हेलो एवरीवन, माय नेम इज सेजार। आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके। हमारे गल्फ कंट्रीज़ में वर्क इन्वायरमेंट कैसा होता है, अमेरिकन कंट्रीज़ में वर्क इन्वायरमेंट कैसा होता है, वहाँ पे पे स्केल क्या होता है, वहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। दोस्तों, गल्फ कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, जहाँ पे ट्रेडिशनल इस्लाम के हमारे जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे अल्कोहल बैन है, इसी वजह से हमारे कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग जाना वहाँ पे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर पे स्केल की बात करें तो पे स्केल हमारे यूएस और इंग्लैंड, आपकी जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके बराबर होता है। पे स्केल हाई होने की वजह से हमारे इस कंट्रीज़ के कुछ लोग जाना वहाँ पे पसंद करते हैं, लाइक इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस, यहाँ के लोग जाना वहाँ पे और काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पे स्केल बहुत हाई होता है और लोगों को जब अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो उनको बहुत अच्छी वैल्यू मिल जाती है। मैं आपको बता दें कि अगर आप वहाँ पे काम करते हैं तो आपको लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, साथ ही साथ आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाता है, ताकि आपकी सारी मेडिसिन, सारे ट्रीटमेंट के खर्चे जो हैं वो आपको ना देने पड़े, वहाँ की गवर्नमेंट बियर करती है, या फिर जो भी कंपनी के थ्रू आपका इंश्योरेंस होता है वो कंपनी बियर करती है। आपका पे स्केल हाई होता है कंपेयर टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, आपका पे स्केल जो है आपकी यूएस कंट्रीज़ के बराबर होता है। अगर आप लेबर क्लास भी वहाँ पे काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप इंडियन रुपीज़ में 25,000 to 30,000 rupees कमा सकते हैं पर मंथ, प्लस आपके जो एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं वो आपके डिफरेंट वे में काउंट किए जाते हैं। साथ में वहाँ पे कोई भी पे रिजेक्शन नहीं होता है अगर आप वहाँ पे काम करते हैं। जैसे सपोज आप यहाँ पे इंडियन कंट्री में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर अब्सेंट होते हैं तो वहाँ पे आपकी सभी रिजेक्शन होता है, बट ऐसे अमेरिकन कंट्रीज में नहीं होता। वहाँ पे अगर आप अब्सेंट होते हैं यहाँ पर कोई भी पे रिजेक्शन नहीं होता है। साथ में अगर आप अपने घर पर विजिट करते हैं आफ्टर वन ईयर, आफ्टर टू ईयर, तो आपका जो आने जाने के एक्सपेंसेस होते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनी बियर करती हैं, आपको बियर नहीं करना पड़ता, जिससे कि आपको थोड़ा सा और सेविंग हो जाती है। साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि वहाँ पे क्राइम रेट जो है, क्राइम रेट बहुत ही कम है, एकदम जीरो के बराबर है। वहाँ पे क्राइम रेट बिल्कुल भी नहीं होता, उसका रीज़न है कि वो लोग बहुत ही सख्त नियम और कानून को फॉलो करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मैं तो कंडीशन में नहीं था कि मैं ये वीडियो बना सकूँ। अभी मैंने ये वीडियो बना ली है और आप लोगों को भी लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आता।